नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट न्यूज़ 24। यहाँ पर मिलती है सरकारी एम्प्लॉयज से रिलेटेड सारी बड़ी खबरें और नई जॉब्स के बारे में हम बताते हैं। तो आप मुफ्त में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको बताते हैं, ये जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ओरिजिनल लेटर है और ये है दोस्तों पेंशनर और फैमिली पेंशनर के लिए, डीए का रिगार्डिंग है, डियरनेस रिलीफ के रिगार्डिंग है। तो जैसा कि सभी जितने भी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनको डीएनएस अलाउंस मिलता है, लेकिन जिनकी नौकरी ख़त्म हो गई है और जिनका पेंशन आता है उनको मिलता है डीएनएस रिलीफ। इसके ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। 21 अक्टूबर का डेट देख सकते हैं। ये पत्र के बाद एक और पत्र दिखाएंगे जो होगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड और ये है दोस्तों नया डीएनएस रिलीफ। तो डीएनएस रिलीफ आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 से 17% कर दिया गया है और ये 5% की वृद्धि है जो कि बहुत ही बड़ी खबर है। 5% की वृद्धि जो है काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ लेके आती है। 1/7/2019 से ये लागू किया जाएगा, यानी आपको 2 महीने के एरियर भी यहाँ पे मिलने हैं। साथ ही साथ जो अगले महीने से कोशिश रहेगी कि नया जो है डीएनएस रिलीफ दे दिया जाए। किन किन को मिलेगा दोस्तों? सभी सिविलियन जितने भी पेंशनर और फैमिली पेंशनर हैं उनको मिलेगा, आर्म फोर्सेस के पेंशनर और जो जितने भी फैमिली पेंशनर हैं उनको भी मिलेगा। साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स को मिलेगा, रेलवे पेंशनर को मिलेगा और पेंशनर जिनकी प्रोविजनल पेंशन आई है उनको भी मिलेगा। दोस्तों ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आपका जो नया डी आर आया कि नहीं ज़रूर ख्याल कीजिएगा, आपका जो डीएनएस रिलीफ अगले महीने आया कि नहीं, क्योंकि बाद में अगर नहीं आता है तो फिर आपको पत्र वगैरह एप्लीकेशन वगैरह लिखने होते हैं। ये जो पत्र है आप अभी देख सकते हैं 22 तारीख का है, ये कल का पत्र है और यहाँ पे आपको बताते हैं ये है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए, यानी पोस्टल के जितने विभागीय कर्मचारी हैं उनके लिए है और उनके लिए भी उनका सेम न्यूज़ है, 5% की वृद्धि हो गई है और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर और फैमिली पेंशनर है डीएनएस अलाउंस मिल जाएगा 1/7/2019 से। तो दोस्तों इस तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुफ्त में और इस तरह की अपडेट्स हम आपके साथ बांटते रहेंगे, देते रहेंगे। धन्यवाद।